तो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुकी है, तो इससे कई टिकटॉकर्स को बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है। तो अगर इस टाइम पर उन्हें अगर कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए जिससे कि टिकटॉक वापस से उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए, तो वो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो फ्रॉड करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, वो लोग आजकल एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि टिकटॉक इज़ अवेलेबल ऑन टिकटॉक प्रो, और एक उसमें एक लिंक भी दिया गया है और बोला गया है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप वापस से टिकटॉक अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या है इस मैसेज की सच्चाई? सच्चाई ये है कि साइबर फ्रॉड करने वाले इस मैसेज को सर्कुलेट कर रहे हैं। इसमें जो लिंक दिया गया है, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, टिकटॉक तो आपका कभी इंस्टॉल होने वाला नहीं है, लेकिन एक APK फाइल डाउनलोड होगी। वो फाइल क्या करेगी कि मालवेयर इंस्टॉल कर देगी आपके मोबाइल में। मालवेयर मतलब कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक वायरस की तरह होते हैं, और आपके मोबाइल से जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, लाइक आपके सब कुछ समझ लीजिए, आपके फोटोज हो गई, आपके व्हाट्सएप चैट हो गई, आपके बैंकिंग के पासवर्ड हो गए, यूजर नेम हो गए, ये फेसबुक के अकाउंट की डिटेल्स हो गई, जीमेल अकाउंट की डिटेल्स हो गई, ये सारी डिटेल्स वो चुरा लेते हैं, और ये फ्रॉड करने वालों के पास सारी डिटेल्स पहुंच जाती है। एक बार जब उनके पास आपकी ये पर्सनल डिटेल्स पहुंच जाती है, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है आपको टारगेट करना, आपके बैंक से पैसे उड़ाना, आपको ब्लैकमेल करना, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई पर्सनल, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फोटोज़ हैं या व्हाट्सएप चैट है, उसके ज़रिए वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। आज ही हिमाचल पुलिस ने इस बारे में ट्वीट भी किया है कि इस तरीके का जो मैसेज वायरल हो रहा है ये फेक है, इस पर दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। पंजाब साइबर पुलिस ऑलरेडी इस पर बयान जारी कर चुकी है। बाकी रही टिकटॉक की बात, तो टिकटॉक इस लिंक के जरिए अगर आप टिकटॉक इंस्टॉल करने की कोशिश अपने मोबाइल में कर रहे हैं, तो टिकटॉक तो इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी की वाट लग जाएगी। Yeah!